वेलकम स्टूडेंट्स, हम लोग अब इस वीडियो में हम लोग इनइक्वालिटीज इन अ ट्रायंगल देखेंगे, जो कि थ्योरम 7.6 और 7.7 को डील करता है और साथ में 7.8 को भी। तो इसमें ये कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, बस समझना ये है कि इसमें पहला चीज़ कह रहा है कि इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इनइक्वल, द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज ए लार्जर। कहने का मतलब है जो बड़ा साइड होगा सबसे ज़्यादा, उसका सामने का जो एंगल होगा वो बड़ा होगा। तो उसी तरह से उल्टा भी हो सकता है कि जो बड़ा कोण होगा उसका अपोजिट जो साइड होगा वो पूरे ट्रायंगल में बड़ा होगा। 7.8 कहता है कि द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। जाहिर सी बात है, ट्रायंगल अगर है तो उसमें दो साइड, किसी भी दो साइड को ऐड करने पे थर्ड साइड जो बच रहा है उससे बड़ा ही होगा। ठीक है, तो इस थ्योरम को हम लोग यूज करके एक क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, जो कि 7.4 का एक्सरसाइज 7.4 का थर्ड क्वेश्चन है। तो इसमें ये डायग्राम दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है कि एंगल बी इज लेस देन एंगल ए, एंगल बी इज लेस देन एंगल ए एंड एंगल सी इज लेस देन एंगल डी। तो अभी अभी हम लोग क्या डिस्कस किए हैं कि जो एंगल बड़ा होगा, यहाँ पे अभी एंगल का ही बात किया जा रहा है, तो हम लोग सेकेंड वाला चलेंगे लेके। ठीक है, तो एंगल बड़ा है तो एंगल का सामने का साइड भी बड़ा होगा, यानी कि अभी ये ए बड़ा है और उस हिसाब से फिर डी भी बड़ा है। तो डी बड़ा है, इसके सामने वाला साइड ये है, और ए बड़ा है तो इसके सामने वाला साइड ये है। तो यहां पे लिखना है कि बिकॉज ए इज लार्जर देन एंगल बी, हेंस OB is longer in triangle AOB and similarly क्या हो जाएगा, उसी तरह से D बड़ा है एंगल D तो OC भी बड़ा होगा। OC is longer side in triangle COD. Hence, OB plus OC greater than other साइड्स। ये हो गया, यानी कि अदर साइड में अभी क्या क्या बच रहा है, ए डी यानी कि ओ बी प्लस, यानी कि ये टोटल बी सी हो गया, बी सी इज ग्रेटर देन अदर साइड। तो अदर साइड में बच क्या रहा है, बी सी, तो ए डी बच रहा है, यानी कि ये ए डी भी आ जाएगा, इसमें शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो अदर साइड हम लोग ना लिख करके पहले ए डी ही लेंगे। ठीक है, ओ बी ग्रेटर देन है किसका, ओ बी ग्रेटर देन अभी किसका हो जाएगा, ए ओ का। हम लोग यहां भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, यहां पे आप लिख सकते हैं लॉन्गर देन ए ओ एंड यहां पे हम छोटा सा लिख दे रहे हैं ओ बी ग्रेटर देन ओ ए एंड ओ सी ग्रेटर देन ओ डी। तो इन दोनों का समेशन भी बड़ा होगा उसी तरह से, तो ओ बी प्लस ओ सी इक्वल टू ग्रेटर देन ओ ए प्लस ओ डी। इसी तरह से बी सी इक्वल, बी सी इज ग्रेटर देन ए डी, क्योंकि ओ ए प्लस ओ डी इक्वल टू ए डी। तो हम लोग इसको भी लिख के प्रूफ कर सकते हैं या हम लोग बाय वर्ड भी प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आई थिंक